दोस्तों आने वाले इस सीजन में एक एकड़ में लौकी की खेती करके लगभग 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक की आप कमाई कर सकते हैं। इतना प्रॉफिट लौकी की फसल इस समय लगाने पर आपको देखे जा सकती है, लेकिन आपके लगाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। मतलब आधुनिक तरीके से अगर आप लौकी की खेती करते हैं, सही खाद उर्वरकों का अगर आप चयन करते हैं, समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह आप सही लेके चलते हैं और रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं, मतलब स्प्रे शेड्यूल भी अगर आपका सही रहेगा, तो लौकी की फसल आपको जबरदस्त मुनाफा इस समय लगाने पर आपको देखे जा सकती है। लौकी की खेती यानी कि सही समय इसका क्या है, लगाने का एकदम सही समय बताऊंगा। उस समय पर अगर आप लौकी की बुआई कर देंगे तो जबरदस्त आपको मंडी भाव मिलेंगे, जबरदस्त इससे आपको उत्पादन मिलेगा। किस तरीके से लौकी की खेती आपको करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है जिससे इतना आपको उत्पादन मिल सके और काफी अच्छे आपको मंडी भाव मिल सके, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ में यह भी बताऊंगा कि इतना प्रॉफिट आप लौकी की खेती से ले सकते हैं, मतलब 3 से 4 लाख रुपए की कमाई किस तरह से आप लौकी की खेती से कर सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 3 से 4 लाख रुपए की कमाई एक एकड़ में लौकी की फसल से कर सकते हैं। इसमें आपकी सीड रिक्वायरमेंट का भी आपको पता चल जाएगा कि एक एकड़ में कितना बीज आपका लगेगा, कितने प्लांट आपके होंगे, मतलब एक प्लांट से कितने फल आपको मिलेंगे, कितना उत्पादन एक प्लांट आपको देगा। मतलब बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि इतना प्रॉफिट किस तरीके से आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीड रिक्वायरमेंट की कि एक एकड़ में कितने आपके बीज लग सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक एकड़ में लौकी के बीजों की बुआई करते हैं तो लगभग 500 से लेकर 600 ग्राम तक आपका बीज लग सकता है। अब कितने कितने फिट की दूरी पर आपको बीज लगाने हैं और कितने कितने फिट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, यानी इसकी लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि बीज आपके कितने लगने वाले हैं। तो 500 से लेकर 600 ग्राम तक आपके बीज लग जाएंगे। अब बीजों की गिनती कर लेते हैं कि इतने में कितने बीज आपके होंगे। तो देखिए, 10 ग्राम का अगर आप एक पैकेट खरीदते हैं ना लौकी का, तो उसमें आपके लगभग 70 बीज आ जाते हैं। 100 ग्राम में आपके 700 बीज के आसपास आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा कंपनी का डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कंपनियों के मतलब थोड़े से अलग अलग बीजों की काउंटिंग अलग हो सकती है, यानी कि कोई कंपनी आपको 700 बीज भी दे सकती है 100 ग्राम में, कोई कंपनी 750 दे देगी, कोई कंपनी आपको 750 बीजों तक भी दे देती है 100 ग्राम बीजों में। तो अगर आप आधा केजी बीज लेके चलते हैं तो लगभग 7535 यानी कि 3500 तक आपके बीज लग जाएंगे एक एकड़ में। 3500 बीजों का मतलब है कि एक एकड़ में आपके 3500 प्लांट आ गए। अब बात करते हैं कि एक प्लांट से वजन आपको कितना मिल सकता है। तो देखिए, लौकी की अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं ना, तो लगभग फीमेल फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं 25 से 30 पर प्लांट। 25 से 30 पर प्लांट आपको मेल फ्लावर्स मिलते हैं तो आप ये मानिए कि लगभग 20 फ्रूट सेट भी उनमें हो गए। तो उनमें अगर मेल फ्लावर्स पे 20 फ्रूट सेट भी अगर हो गए तो आप ये मानिए कि 20 फल आपको एक प्लांट से मिल जाएंगे। उनमें से 5 फल आप और माइनस कर दीजिए, समझिए कि वो खराब हो गए किसी बीमारी की वजह से, या वो झड़ गए, या फिर फ्रूट फ्लाई की वजह से वो डैमेज हो गए। तो आप ये मानिए कि मोटा मोटा एक प्लांट से 15 फल आपको मिल सकते हैं लौकी के, अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, रोग बीमारियों पे कंट्रोल रखते हैं, सही समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते हैं। 60 दिन तक ये आपको उत्पादन देती है और लगभग 55 से 60 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो इतने टाइम पीरियड में लगभग एक प्लांट आपको 15 फल तो आराम से देके जा सकता है। एवरेज वजन की बात की जाए तो 1 केजी तक इनके फलों का वजन जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 800 ग्राम पर फ्रूट भी इसका वजन लेके चलते हैं तो एक प्लांट पे लगभग 12 केजी तक आपको वजन मिल जाता है लौकी के, मतलब फलों का 12 केजी वजन आपको पर प्लांट मिलेगा। और हमारे प्लांट कितने थे, 3500। 3500 एक एकड़ में हमारे टोटल प्लांट है और 12 केजी तक आपको एक प्लांट से वजन मिल जाता है। उनमें से 500 प्लांट आप निकाल दीजिए, यानी कि खराब हो गए या हमारे बीज कम लगे या किसी कारणवश, मतलब शुरुआत में हमारे जो पौधे हैं वो नष्ट हो गए, 3000 पौधे आप लेके चलिए।
तो 12 × 36 यानी कि 360 क्विंटल हमारा उत्पादन निकल के आ गया। यहां पर मैंने हो सकता है थोड़ा सा मैक्सिमम उत्पादन लिया है, लेकिन उतना ही उत्पादन लिया है जितना हम आसानी से ले सकते हैं। अगर सही तरीके से काम करते हैं तो इतना उत्पादन हमारा निकल के आ जाता है, और नुकसान भी आपको बराबर दिखाया है, क्योंकि 25 से 30 हमें मेल फ्लावर मिलते हैं तो लगभग 15 फ्रूट सेट तो हो ही जाते हैं। बाकी बीमारियों की वजह से या किसी भी कारणवश हमारे फ्रूट झड़ जाते हैं या फूल झड़ जाते हैं, किसी भी कारण से इतने जो फल है वो खराब हो जाते हैं, लेकिन 15 फ्रूट तो हमें एक प्लांट से मिल ही जाते हैं, और 800 ग्राम वजन एक लौकी के फल का हमें मिल ही जाता है। तो लगभग 12 केजी आपको एक प्लांट से मिलेगा, और 360 क्विंटल वजन हमारा एक एकड़ में टोटल हमारी फसल से हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इससे टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिल सकता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसके मार्केट की, हमें इसका जो मार्केट है वो किस तरह का मिलेगा। तो लौकी का जो मार्केट है वो अगर आप इस समय इसकी खेती करोगे तो आप ये मानिए कि लगभग 15-16 रुपए तक के आपको आराम से इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन आप 10 रुपए केजी के मंडी भाव भी लेके चलते हैं, यानी कि 1000 पर क्विंटल अगर आप इसका मार्केट लेके चलते हैं तो लगभग 360,000 रुपए, यानी कि 360 क्विंटल हमारा वजन हुआ, 10 रुपए केजी के मंडी भाव मिले, तो 360,000 रुपए का हमारा इसमें टोटल प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट तो क्या मतलब, टोटल इनकम हो जाती है इससे हमारी, और उसके बाद में इसमें खर्चा निकाल के 3 लाख रुपए तक आप इससे आसानी से कमा सकते हो। और अगर इसके मंडी भाव 12 से 13 रुपए तक के मिल जाते हैं तो ये जो इनकम है वो आपकी 4.5 लाख रुपए तक भी जा सकती है, यानी कि 12 से 13 रुपए तक का मार्केट हमें टोटल फसल का मिल जाता है। 2 महीने तक इसके मंडी भाव 12-13 रुपए के हमें लगातार मिलते रहते हैं, तो 4.5 लाख रुपए तक की इनकम टोटल हमारी हो सकती है। इसमें से 150,000 रुपए अगर आप खर्चा भी निकाल देते हैं तब भी मोटा मोटा आप ये मानिए कि 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो आपको आराम से देके जा सकती है। और भाई अगर मंडी भाव ठीक से मिल गए, बरसात के सीज़न में अगर आप लौकी लगाते हैं तो शुरुआत में इसके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। अगर 15-20 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाते हैं तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा निकल के आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है, इस समय पे इस सीज़न में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देके जा सकती है लौकी की फसल। इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होगा, लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। अब दोस्तों, अगर इतना प्रॉफिट आपको लौकी की खेती से लेना है तो लौकी की खेती आपको काफी आधुनिक तरीके से करनी पड़ेगी। काफी सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे, सही खाद उर्वरकों का चयन करेंगे, और प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन का डिस्टेंस अगर आप सही रखेंगे तब भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है उतना अगर आपको उत्पादन लेना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी ऐसी जमीन का चुनाव करना है जहां पर बरसात के सीजन में, यानी कि बरसात के लिए अगर आप लौकी लगा रहे हो, बारिश के सीजन में लौकी की खेती कर रहे हो, तो ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना होगा जहां पर जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समतल खेत का आपको चुनाव करना है, और सबसे पहले आपको उसमें 3-4 कल्टीवेशन जरूर कर लेने हैं। कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले लगभग 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डालनी है, और सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। अगर आप कच्चा गोबर डाल देंगे तो बरसात के सीजन में रोग बीमारियां यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। कच्चे गोबर से आपको उत्पादन ठीक नहीं मिलेगा, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालें और 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में लगभग 3 कल्टीवेशन आप कर दीजिए। एक कल्टीवेशन आप हैरो से कर लीजिए, एक कल्टीवेशन आप कल्टीवेटर से कर लीजिए, और एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से कर लीजिए। पहला कल्टीवेशन गोबर की खाद डालने के बाद में जब आप पहला कल्टीवेशन कर रहे हैं वो कल्टीवेशन आप रोटावेटर से कर लें, ताकि आपकी जमीन में जो आपके प्लॉट में जितने भी झील वगैरह हैं वो भी समतल हो जाएंगी, ताकि इससे आपकी जमीन भी समतल हो जाएगी और इसमें आपकी जो गोबर की खाद की डलियां हैं या मिट्टी की जो डलियां हैं, क्योंकि गहरी जुताई की है तो उसमें मिट्टी की भी काफी बड़ी डलियां होगी, तो वो भी अच्छे तरीके से जमीन के अंदर मिक्स हो जाएगी गोबर की खाद वगैरह, और मिट्टी आपकी इससे एकदम भुरभुरी हो जाती है। रोटावेटर से एक कल्टीवेशन आप हमेशा किया करें, जब भी आप कोई भी सब्जियां लगाएं रोटावेटर से कल्टीवेशन करेंगे तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी, और मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी आपके बेड की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद में गोबर की खाद डालने के बाद में 3 कल्टीवेशन करके उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 6 फीट से कम डिस्टेंस आपको नहीं रखना है, और बारिश वगैरह आपके एरिया में ज्यादा हो रही है तो आप 7-7 फीट का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, क्योंकि लौकी के जो प्लांट होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं बरसात के सीजन में,
और भी ज़्यादा फैल जाते हैं। तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से या लौकी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाने की वजह से तो उसमें रोग बीमारियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो बारिश वगैरह अगर ज़्यादा हो रही हैं तो आप 7-7 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए या फिर 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। अगर मोटी ज़मीन है, जल को आसानी से सोख लेती है, ऐसी ज़मीन है तो आप 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना सकते हैं। बेड की ऊँचाई करीब 1 फीट होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई करीब 3 फीट होनी चाहिए। इस आकार के आपको बेड बनाने हैं। उसके बाद में लौकी के जो बीज है वो आपको 2-2 फीट की दूरी पे लगाने हैं, यानी कि लाइन से लाइन का डिस्टेंस 6-7 फीट होना चाहिए और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस करीब 2 फीट होना चाहिए। 2-2 फीट की दूरी पर और 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बनाएंगे और 2-2 फीट की दूरी पर अगर सीड शोविंग करेंगे तो लगभग आधा केजी आपका बीज लग जाएगा 1 एकड़ में, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन निकाल के उसके बाद में आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आपका बीज वेस्ट भी ना जाए और बीज आपका कम भी ना पड़े सीड शोविंग करते समय। लेकिन दोस्तों, लौकी की खेती से बरसात के सीजन में आपको अगर अच्छा उत्पादन लेना है, अपनी फसल को रोग बीमारियों से दूर रखना है और अगर फल की क्वालिटी अच्छी लेनी है तो इस समय पे आपको लौकी की खेती तार बांस बंधाई करके करनी पड़ेगी, यानी स्टैकिंग करनी पड़ेगी, प्लांट को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तब भी अच्छा उत्पादन इस सीजन में आपको मिलेगा। वरना बरसात के सीजन में आपकी लौकी की बेलों में काफ़ी रोग बीमारियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं या फिर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फलों में सड़न वगैरह की समस्या भी आ सकती है और बेलों में भी सड़न वगैरह की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। और बरसात के सीजन में लौकी अगर आपकी ज़मीन पर रहेगी तो उसके फल की जो आपकी लौकी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, इसलिए मंडी भाव उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो स्टेकिंग तैयार करें, तारबांस बंधाई जुगाड़ करके और बेलों को ऊपर चढ़ा के और उसके बाद में आप लौकी की खेती करेंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं लौकी की सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में जिनका आपको इस समय पर सिलेक्शन करना है, जिनसे उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिले और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिले। नंबर एक पर है माहिको की 8 नंबर लौकी की वैरायटी, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इससे आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगी। धनिया की महिमा वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नूमेंस कंपनी की एक अनोखी वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी लौकी की काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक अनमोल वैरायटी आती है लौकी की, ये वैरायटी भी काफ़ी शानदार है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक VNR कंपनी की सरिता वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी जोरदार वैरायटी है। यहां पर मैंने जो भी वैरायटियां आपको बताई हैं सारी अच्छी वैरायटियां हैं, सबसे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी सभी की आपको अच्छी मिल जाएगी। मतलब जितनी वैरायटियां बताई हैं सभी के फल की जो क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार मिलेगी, इसलिए मार्केट वैल्यू आपको काफी जोरदार मिलेगी इनसे और उत्पादन भी सभी से काफी जोरदार मिल जाएगा। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक अगर आपको इसकी माहिको की 8 नंबर वैरायटी मिल जाती है तो आप उसका सिलेक्शन कर लें। ये अगर नहीं मिलती है तो फिर आप बाकी वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी वैरायटियां हैं। लौकी की बुआई से पहले डाले जाने वाले रासायनिक खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है जिससे लौकी से आपको काफी जोरदार उत्पादन मिल सके। लगभग 50 केजी यहां पर आपको DAP खाद लेनी है, 70 केजी यहां पर आपको SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद लेनी है और लगभग 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है और 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो भी खाद उर्वरक मैंने बताई है ये एक एकड़ के हिसाब से बताई है, 1 एकड़ में ये खाद उर्वरक लेने हैं और 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड आपको जरूर ऐड करना है, वरना बरसात के सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ये खाद उर्वरक इन्हीं में आप ये फंगीसाइड ऐड करके 1 एकड़ में समान मात्रा में बिखेर दें और उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें, आखिरी कल्टिवेशन से पहले ये खाद उर्वरक आपको डालने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बुआई करने का सही समय कौन सा है और अब आपको इसकी बुआई कब तक कर देनी चाहिए ताकि मंडी भाव भी अच्छे मिले और उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिले। तो देखिए, जून माह से लेकर और लगातार सितंबर माह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और इसको मई माह में भी लगाया जाता है, लेकिन मई में टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं, लेकिन वो टाइम चला गया। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल आप इसकी खेती वो अभी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, चाहे तो कल ही आप इसकी बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं, जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा और जोरदार मंडी भाव भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसकी बुआई के समय फिलहाल आपको, क्योंकि बरसात का सीजन अभी चल रहा है, मानसून वगैरह भी आ रहा है, तो बुआई के समय आपको यह देखना है
कि जिस समय बुआई आप कर रहे हैं उसके 2-3 दिन तक ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा बारिश अगर हाल ही में हुई है तो गिल्ली मिट्टी के दौरान, यानी कि ज़्यादा गिल्ली मिट्टी के दौरान ज़मीन की तैयारियां आप ना करें, 2-3 दिन तक ज़मीन को सुखाएं, उसके बाद में कल्टीवेशन वगैरह करें। मतलब ऊपर से मिट्टी 1-2 इंच अगर सूख जाती है उसके बाद में अगर आप ज़मीन की तैयारियाँ करेंगे तो आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी, रोग बीमारियाँ भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और बेड प्रिपरेशन का कार्य भी काफ़ी ठीक से होगा। वरना गिल्ली मिट्टी के दौरान अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो रोग बीमारियां भी देखने को मिलेंगी और बेड की क्वालिटी भी आपको ठीक से नहीं मिलेगी। इस वजह से बरसात का थोड़ा सा आप देख लें, बाकी लगाने का फिलहाल सही सीजन है, कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और लौकी की खेती से जोरदार प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया है उतना प्रॉफिट लौकी की खेती करके आराम से आप ले सकते हैं, अगर सही तरीके से और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके लौकी की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।